वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई। मामले में पुलिस पहलवान सुशील कुमार की तलाश में जुटी है। दिल्ली पुलिस की 6 से ज्यादा टीमें सुशील कुमार को खोजने में लगी हैं। पहलवान सुशील कुमार किसी पेशेवर अपराधी की तरह दिल्ली पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहा है। सुशील कुमार को पकड़ने के लिए उसके तमाम संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। कई बार तो वो पुलिस के बिल्कुल करीब था, लेकिन एक पेशेवर अपराधी की तरह वो बच निकला। छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को पहलवान सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर हमला हुआ। इस दौरान उनके साथ काफी मारपीट की गई। इसी हमले में पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई और उनकी हत्या का आरोप सुशील कुमार और उनके कुछ साथी पहलवानों पर लगा। इस घटना के बाद एक वीडियो भी मिला जिसमें साफ दिख रहा है कि पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम से अपनी गाड़ी के बाहर निकले थे, यानी हत्या के दौरान वो अंदर ही मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक उसके पास सुशील कुमार के खिलाफ हत्या में शामिल होने के ठोस सबूत हैं। यही वजह है कि सुशील कुमार पुलिस से भाग रहा है। हालांकि पहलवान सागर धनखड़ की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे फिलहाल कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, पहलवान सागर धनखड़ और सुशील कुमार के बीच पैसों को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से संभव है कि सागर की हत्या कर दी गई। दूसरा कारण, सागर पहलवान सुशील कुमार के मकान में किराए पर रहता था और सुशील कुमार ने उन्हें यह मकान खाली करने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन सागर धनखड़ इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद दोनों में टकराव बढ़ गया था। इसके अलावा पहलवानों के गैंग में वर्चस्व को लेकर भी टकराव वजह माना जा रहा है। फिलहाल ये मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। इसमें एक तरफ देश के जाने माने पहलवान सुशील कुमार का नाम है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के बेटे और उभरते हुए पहलवान की मौत हुई है। असली वजह क्या थी और क्या वाकई सुशील कुमार की इसमें कोई भूमिका थी, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। Thank you.